बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट वेव्स। लाइट जो है वो सन से भी आ रही है, बहुत सारे और सोर्सेज हैं, लाइट बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स वगैरह। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि हमारी आंखों को नजर आ रही, विजिबल टू द आईज है। और ये बाकी वेव से डिफरेंट है क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और इनको जनरली लाइट वेव्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स विच कैन डू नॉट नीड अ मटीरियल मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रेवल। जिस तरह हमारे सुनने की एक फ्रिक्वेंसी रेंज है, उसी तरह लाइट वेव जो हम देख सकते हैं उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी रेंज है, विच आर ह्यूमन आइज कैन डिटेक्ट। उसकी रेंज है 405 से लेकर 790 ट्रिलियन हर्ट्ज तक। ट्रिलियन जो है ना, वन के बाद 12 जीरो डालें तो एक ट्रिलियन होता है। तो बहुत ही छोटी इसकी वेवलेंथ है, इसीलिए इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है। और ये डिफरेंस जो है हम कलर रेंज के फॉर्म में देखते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इनकी कैटेगराइजेशन हुई है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी। विजिबल लाइट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा हिस्सा है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे वेव्स के नाम लिखे हुए हैं। देन दिस इज द वेवलेंथ। ये कंपैरिजन है कि ये वेवलेंथ किसके मुकाबले में मिलती जुलती है, और ये फ्रिक्वेंसी है, और फिर ये एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है रिगार्डिंग दिस। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले जो सबसे बड़ी जिसकी वेवलेंथ है वो है रेडियो वेव, और इसकी वेव का एक वेव का साइज है ना फुटबॉल फील्ड जितना होता है। रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी कम है 10^6, और आगे जाते जाएं तो बढ़ती गई 10^20 तक चली गई, उससे भी आगे। फिर माइक्रोवेव्स, जिनकी वेवलेंथ ह्यूमंस या बटरफ्लाई जितनी है। फिर इंफ्रारेड, जो कि पिन ऑफ पिन हेड या बैक्टीरिया के साइज की। और जो विजिबल लाइट है, देखिए विजिबल स्पेक्ट्रम इतना सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिर्फ इतना सा दिखाई देता है। रेनबो के 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है जी। और ये अभी हमने उसकी हर्ट्ज में बात कर ली कि किस से किस रेंज तक हुआ है, ठीक है। इतना सा पोर्शन है, इससे कम जो होते हैं ये इंफ्रारेड हीट वेव्स होती हैं। इससे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी वो अल्ट्रावायलेट है, यूवी रेज जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, और ओजोन लेयर बचाती है अर्थ को फ्रॉम द यूवी रेज ऑफ सन। उससे ज़्यादा जिनकी फ्रिक्वेंसी है वो एक्स रेज हैं, इनकी वेवलेंथ और छोटी होती चली जा रही है एटम्स के बराबर। और गैमा रेज की फ्रिक्वेंसी और ज़्यादा है और इनकी वेवलेंथ और कम है। जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी कम होगी। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा नज़र आता है विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद हायर फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्स रेज और गैमा रेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद लोअर फ्रिक्वेंसी इंक्लूड इंफ्रारेड लाइट, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये भी मैंने आपको डायग्राम से दिखाया है। इस बॉक्स को देखें, डू यू नो बॉक्स, लाइट वेव्स जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि इसमें इसका अगर ग्राफ बनाएं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लू से इलेक्ट्रिक फील्ड शो हुई है और रेड से मैग्नेटिक फील्ड। दो फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और लाइट वेव में दोनों ही फील्ड्स क्रिएट हुई हैं और ये लिंक हैं एक दूसरे के साथ। वन फील्ड गिव्स राइज टू अनदर और इस तरह ये वेव प्रोपगेट होती है। और चेंजिंग फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखिए, इसका जो एंगल है इसके 90 डिग्री पे ये दूसरी फील्ड है, और वेव जो है वो ट्रेवल करी थर्ड डायरेक्शन में। ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ये है, विच इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फिगर। दिस फिगर इज शोइंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स। वॉयलेट की ट्रिलियन हर्ट्स में 680 से 790, ये सबसे ज़्यादा वाली रेंज है, और सबसे कम वाली रेंज रेड की है 405 से 480। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत फास्ट है, 300,000 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। ये वैक्यूम में स्पीड है, ये फास्टेस्ट स्पीड है किसी भी चीज़ की जिसको हम जानते हैं। और लाइट वेव्स जैसे एयर में आती थोड़ी सी स्लो होती हैं क्योंकि बीच में मॉलिक्यूल्स एयर के आ रहे होते हैं, ग्लास में थोड़ी और स्लो हो जाती है, वाटर में भी इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट वेव्स गुजर जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम स्पीड लाइट की वैक्यूम में है 300,000 किलोमीटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।